लंबा समय बाद इंदौर शहर में सकारात्मक राजनीति का रूपण देखने को मिला है। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के नेतृत्व वृहद पौधारोपण अभियान जो है उनके द्वारा चलाया जा रहा है। इस पौधारोपण के महोत्सव ने अब दलगत राजनीति को भी पछाड़ दिया। इंदौर में राजनीति की एक अलग ही तस्वीर सामने आ रही है। एक और पूरे शहर में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के नेतृत्व में पर्यावरण संरक्षण के लिए मेगा पौधारोपण किया जा रहा है। इस पौधारोपण अभियान में अब पक्ष और विपक्ष भी अपनी सहभागिता दिखा रहा है। दलगत राजनीति को कोसों दूर रखकर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में इंदौर से एक बेहद ही सुखद राजनीतिक तस्वीर देखने को मिली, जब एकाएक मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, नगर अध्यक्ष गौरव रणदिवे, जिला अध्यक्ष चिंटू वर्मा सहित अन्य नेता कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन पहुंचे। दरअसल वृहद पौधारोपण अभियान में सभी की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के साथ महापौर और बीजेपी नगर अध्यक्ष कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन पहुंचे थे। कैलाश विजयवर्गीय ने गांधी भवन पहुंचकर कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की और उन्हें पौधारोपण अभियान में शामिल होने का आमंत्रण दिया। इसी के साथ कांग्रेस नेताओं ने भी इस निमंत्रण को सहर्ष स्वीकार किया और पौधारोपण में अपनी सहभागिता निभाने की बात कही। दरअसल लंबे समय बाद शहर में सकारात्मक राजनीति का रोपण देखने को मिला है। अवसर भी बहुत नेक है पौधारोपण। इस अभियान ने दलगत राजनीति को पीछे छोड़ने का काम किया है। इसकी शुरुआत कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने की है। पौधारोपण अभियान में सामूहिक प्रयासों को बल देने संबंधी प्रयासों को ठोस रूप देते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस को निमंत्रण दिया है। हरियाली को बढ़ावा देने संबंधित अभियान के लिए कांग्रेस की भी सकारात्मक भागीदारी देखने को मिल रही है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुरजीत सिंह चड्ढा ने भी इस अभियान की सराहना की और अपनी सहभागिता की बात कही। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि राजनीति में विचारधारा भले ही अलग अलग हो, लेकिन व्यक्तिगत संबंध हमेशा अच्छे होने चाहिए। देखिए, ऐसा है कि डेमोक्रेसी के अंदर पक्ष और विपक्ष अपने अपने आइडियोलॉजी के हिसाब से काम करते हैं, पर हमारे व्यक्तिगत संबंध हमेशा बहुत अच्छे होना चाहिए। मेरे जितने भी दल हैं देश के अंदर, सबसे मेरे अच्छे संबंध रहे सिर्फ ममता जी को छोड़कर। सबसे अच्छे संबंध रहे कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं से, मेरे बहुत अच्छे संबंध रहे, बहुत सम्मान देते हैं। सपा के नेता मुझे बहुत सम्मान देते हैं। तो संबंध व्यक्तिगत रूप से अच्छे होना चाहिए, बाकी हमारी आइडियोलॉजी हमारे साथ है, कांग्रेस की आइडियोलॉजी कांग्रेस के साथ। देखिए, ये जो एक पेड़ माँ के नाम ये जो पूरा अभियान है और उसमें 51 लाख पेड़ लगा के इंदौर को, हमारे इंदौर को पर्यावरण में ठीक करने का जो अभियान कैलाश जी ने एक पहल की है, निश्चित तौर पे आज कांग्रेस अध्यक्ष जी और पूरे कांग्रेस परिवार को हम सब लोग आग्रह करने आए हैं कि इंदौर, जिसको हम लोग मालवा की शाम कहते थे, मालव माटी धीर गंभीर, पग पग रोटी डग डग नीर, शबे मालवा, तो उसी कड़ी में आज हम आमंत्रण देने आए हैं कि सब पूरे हमारे कांग्रेस के भी परिवारजन इसमें शामिल हों और इंदौर के पर्यावरण को और अच्छा करने के लिए, समृद्ध करने के लिए। और मुझे खुशी है कि जिस तरह सुरजीत जी ने और सभी साथियों ने आह्वान भी किया है कि निश्चित तौर पर इंदौर के पर्यावरण की सुधार में हम लोग सब साथ में हैं। कांग्रेसियों के स्वागत से भाजपा नेता भी अभिभूत नजर आए। वहीं शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुरजीत सिंह चड्ढा ने कहा कि यह भाजपा और कांग्रेस का सवाल नहीं है, बल्कि यह पर्यावरण का सवाल है और यह एक सार्थक पहल है और कांग्रेस पार्टी पर्यावरण हित में इस अभियान में सहभागी बनेगी। आदरणीय कैलाश जी का आज खुद मुझे फोन आया, मैंने पूछा कि भाई साहब आदेश आपका फोन आया, मैं कहाँ हाजिर हो जाऊँगा, मैं आ जाऊँगा। बोले नहीं, मैं कांग्रेस कार्यालय ही आना चाहता हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। तो मैंने तो ये भी नहीं पूछा कि प्रसंग क्या है, पर आके भाई साहब ने बताया है। निश्चित रूप से पवित्र मन से जो काम हो रहा है और पर्यावरण के लिए बहुत सार्थक पहल है, इसमें कांग्रेस पार्टी और बीजेपी का कोई सवाल नहीं है। ये पर्यावरण का सवाल है, धरती माँ का सवाल है। आज पर्यावरण से हम लोग परेशान हैं, तो सब मिला के अगर एक अच्छी सार्थक पहल है। और मैंने तो अभी भाई साहब से व्यक्तिगत कहा कि भाई साहब पहले भी पेड़ लगे हैं बहुत, पर संभाले नहीं गए। आप अगर मॉनिटरिंग करेंगे, मैंने कहा कि आपका जज्बा है, आप काम कोई हाथ में लेते हैं तो बड़ा पक्का होता है वो। तो मैंने यही कहा कि पवित्र मन से आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं
पर्यावरण के लिए, पर इसको सहजना भी बहुत आवश्यक है। मैंने भाई साहब से रिक्वेस्ट की अभी कि हमको पेड़ों को कैसे हम बचा सकें, तो पूर्व में भी पेड़ तो लाखों करोड़ों में लगे हैं, बच नहीं पाए, पर अच्छे मन से अगर हम लोग सब, और इसमें हमारी सहभागिता रहेगी, कांग्रेस पार्टी को जो भी आप पर्यावरण के लिए काम बताएंगे, निश्चित रूप से हम लोग तो पूरी कांग्रेस परिवार आपके साथ है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इंदौर शहर की परंपरा एक बार फिर सामने आई है, जहां सियासत से अलग हटकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों के नेता अब पर्यावरण को बचाने के लिए आगे आए हैं और शहर में शुरू किए गए एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत सभी साथ मिलकर पौधा रोपण करने की तैयारी कर रहे हैं।